पूछना युवा और महिलाओं को घासीदास जी की प्रणाम करता हूँ। आज मठ भी आया हूँ तो भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। आज गीता जयंती है, उसकी भी बधाई शुभकामना। दो मंत्री मेरे साथ शपथ लिए हैं, ये भी जल्दी हो जाएगा। की जांच के लिए SIT को कौन लीड करेगा और ऐसे कौन से तथ्य रह गए जो अभी जिनकी जांच नहीं हो पाई? षड्यंत्र की जांच नहीं हुई है। पूरे प्रदेश और देश की जनता जानना चाहती है, पूरी दुनिया में राजनेताओं का नाम संभाल के पहले और अभी तक के 5 साल जितने अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। और सैद्धांतिक रूप से कल हमने फैसला लिया है, अब उसमें कितने सदस्य होंगे, इसको लीड कौन करेगा, जांच की बिंदु क्या होगा, कौन लीड करेगा, इसके बाद समय नियत किया गया है SIT के लिए। अभी देखिए उसकी मंत्रिमंडल में महिला और क्योंकि NIA जांच कर रही थी और महिला का जांच सबमिट कर दी है, हमने गठन किया है प्रदेश अध्यक्ष SIT के माध्यम से। अब केस को NIA से वापस हम मंगाएंगे और उसके बाद फिर आगे कार्रवाई। अपने प्रदेश अध्यक्ष धन्यवाद। जरूरी है।